हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। और जो जेईई मेंस के लिए सीरीज है, आज अपन बात करने वाले हैं पार्ट टू में 10 कदम केमिस्ट्री 2x10। यानी फर्स्ट वीडियो इसका आ चुका है यूट्यूब चैनल पे, फिजिक्स मैथ्स भी साइमल्टेनियसली अपलोड हो रहा है, तो नजरें थमा के रखिए। अनिरुद्ध वालिया के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बढ़िया रिविजन हो जाएगा आने वाले जेईई मेंस एग्जाम के लिए। 10-10 वीडियोस का जो सेट है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का, उनकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं अनिरुद्ध वालिया के इस यूट्यूब चैनल पे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, या अभी तक आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दी है सारी वीडियोस। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने लास्ट क्लास में पूछा था केमिस्ट्री 1x10 में, और इसका करेक्ट आंसर बच्चों नियोपेंटेन। क्यों? क्योंकि नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, देखना, CH3 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 CH3। जब इसका क्लोरीनेशन करवाएंगे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो मेरे को एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेगा। कहीं से लगा दूं, या तो यहां से लगाओ, यहां से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाओ, यहां से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाओ, या यहां से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाओ। बहुत सारे बच्चों ने आंसर नियोपेंटेन दिया, मुझे अच्छा लगा। करेक्ट आंसर इज नो डाउट नियोपेंटेन। क्लियर? आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड, कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इतना नॉर्मल, टू गेट डेसी नॉर्मल कंसेंट्रेशन। सॉल्व करना प्यारा सवाल है सर, क्या हमें सॉल्व करना पड़ेगा? अरे हाँ हाँ सर, एक ही फॉर्मूला है, डाइल्यूशन लो क्या, N1V1 = N2V2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे ना, सेम रहेंगे सॉल्यूट के मोल्स। N1 कितना 0.5, N2 वॉल्यूम कितना 100, N2 डेसी नॉर्मल का मतलब है भैया 0.1 नॉर्मलिटी, 0.1 into V2। सर यहाँ से मेरा V2 सॉल्व करके, यहाँ से मेरा V2 सॉल्व करके आ गया 500 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आंसर टिक कर दूँ? अरे रुको रुको, जल्दी का काम शैतान का। क्यों सर, क्या हो गया? अरे देखो, पहले आपके पास एक सॉल्यूशन था जिसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब था, अब आपके पास सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कुछ ऐड किया होगा तभी तो वॉल्यूम बढ़ा होगा। हाँ सर, पानी डाले ना? अरे तो भैया यही तो वो पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड, तो कितना डाला, 500 - 100, यानी 400 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए है, ध्यान से समझ लो, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकांश लोग 500 निकालते हुए खुश हो जाते हैं, नहीं नहीं ये गलती आपको नहीं करनी है। पहले एक सॉल्यूशन रहा होगा जिसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, नया वॉल्यूम आपने निकाला जिसका वॉल्यूम 500 हो गया। भाई ने पूछा क्या है, भाई ने पूछा है कि कितना वॉल्यूम पानी का आपने ऐड कर दिया, ऐड तो सर 400 किया है तभी तो 500 बना है। हाँ तो आंसर कितना 400 ना कि 500। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्यारा सवाल है, ऑर्गेनिक से देखना, मजा आएगा आपको करने में। एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl करवाया 0 डिग्री सेल्सियस। सर ये तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन है। कैसे? सर एनिलीन की जब भी रिएक्शन आप NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl करवाएंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है N2+Cl-, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, इट इज BDC सॉल्ट। ये एक्स कंपाउंड है, इस एक्स का ट्रीटमेंट करवाया क्यूप्रस साइनाइड के साथ, अनदर कंपाउंड वाई मिल रहा है, वाई का फिर रिडक्शन करवाकर जेड ऑब्टेन किया, जेड बता दो। मैं कुछ देख पा रहा हूँ कि कुछ बच्चे लाइव हैं, प्लीज कमेंट करें, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, प्लीज आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग है, प्लीज एक बार आप आंसर वेट करें, मैं साइड से देख भी रहा हूँ। करो करो, मैं आपको समय देता हूँ, सोचो। करिए करिए, देखो कोप्रस साइनाइड डाला, CuCN डाला, तो यहां से जो कंपाउंड बनता है CuCN बनता है। अब इसका रिडक्शन करवा दिया H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, रिडक्शन करवाया, बिल्कुल सही आंसर, कमेंट में देख पा रहा हूं, बहुत ही शानदार। बेंजाइल अमीन इज द राइट आंसर, रिडक्शन हो जाएगा, CH2NH2 बन जाएगा, CH2NH2 बन जाएगा, दिस इज बेंजाइल अमीन, जेड दिस इज वाई, दिस इज एक्स, एक्स वाई जेड कैसे कैसे बने देख लो। NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, प्रोडक्ट जो बना है वो बना है N2+Cl-, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। CuCN डाला, क्यूप्रस साइनाइड डाला, कंपाउंड Y बना, Y के अंदर रिडक्शन करवाया, कंपाउंड कोम वुड बी बेंजाइल अमीन। गेटिंग माय पॉइंट?
रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ तो मेरे धुरंधरू, अगला सवाल आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेशन का सवाल है। प्लीज मैं आपको समय देता हूँ 30 सेकंड्स फॉर यू गाइस, कमेंट करें, 30 सेकंड्स आप लोगों के पास है, प्लीज कमेंट करें 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 बिल्कुल। और जो भी तरह से आपको डाउट्स है मैं आपको फिर बताना चाहूंगा। देखो कि फिजिक्स मैथ्स की वीडियो भी अपलोड होना स्टार्ट हो गया है, जेई मेंस के शानदार सवालों के साथ आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। हालांकि ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, प्रीवियस ईयर जेई मेंस सवाल की है। देखना, आइए बात करते हैं सवाल की। करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। सर यहाँ पे कोबाल्ट तो सेंट्रल मेटल एटम है, सबसे पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। सर ये कोबाल्ट है, ये NO2-1 वाला है, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स टूटेगा कुछ ऐसे टूटेगा, ध्यान से देखे तुम्हें, ये कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा रहा होगा। तो कॉम्प्लेक्स पे 2+ का चार्ज +2Cl-, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन निकालना है उसको x मान लो, प्लस NO2-1 में रहेगा तो x इक्वल्स टू +1 + 2x इक्वल्स टू +3 आ गया। +3 वुड बी द ऑक्सीडेशन नंबर, तो कभी भी बी और सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। नाउ सर यहाँ पे दो तरह के लिगेंड्स हैं, एक है अमाइन और एक है नाइट्राइटो एन। सर पहले कौन लिखेगा? सर अल्फाबेटिकली अमाइन का ए पहले आता है, नाइट्राइटो का एन बाद में आता है, डी ऑप्शन पे चला जाओ। बढ़िया, नाम वुड बी पेंटा, पेंटा का पी कंसीडर नहीं करना है, प्लीज रिमेंबर, पेंटा हेक्सा हेप्टा बाई ट्राई कंसीडर नहीं करेंगे भैया, पेंटा अमाइन। फिर क्या है? नाइट्राइटो एन, कोबाल्ट 3-क्लोराइड वुड बी द नेम। एक बात और ध्यान में रखना, यदि इन्होंने ओ एन ओ लिखा होता है, CO(ONO)NH3O5 तो आप ओ एन ओ का नाम लिख रहे होते नाइट्राइटो ओ, क्योंकि लिंकेज ऑक्सीजन से है, अभी लिंकेज एन से, एम्बिडेंटेड लिगेंड से बोला जाता है। क्लियर गाइस? तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। आई होप सवाल पसंद आया होगा। देखो वैरायटी ऑफ सवाल आपको देखने को मिलेंगे, आप एक सवाल फिजिकल का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक ऑर्गेनिक का, फिर एक इनऑर्गेनिक का, आनंद ही आनंद है। अगला सवाल और ये शानदार क्लास 11 से स्टेट ऑफ मैटर रियल गैस का प्यारा प्यारा सवाल आप प्यारे प्यारे बच्चों के लिए करना। अगेन मैं इस क्वेश्चन के लिए अगेन आपके लिए 30 सेकंड्स अलॉट कर रहा हूँ, टाइम स्टार्ट्स नाउ, प्लीज कमेंट करना गाइज। देखो लाइव सेशन में आप मतलब पार्टिसिपेट किया करें ताकि आपको भी आनंद आए, मुझे भी। देखो मैं साइड से फोन के थ्रू आप लोगों की चैट भी पढ़ सकता हूँ, वेट मैं आपको रिप्लाई भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। क्लियर गाइस? क्योंकि आप लोगों को इससे फायदा होगा कि मतलब आप लाइव सेशन में आपको फिर भी कोई डाउट आएगा तो हाँ सर दोबारा बता दो, आप इस टाइप से कुछ कमेंट कर भी सकते हैं कि सर हाँ मुझे मजा आया। तो ऐसे टीचर को भी बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई उनके स्टूडेंट्स को मजा आ रहा है चीज़ों को सीखने में, बहुत सारे सवालों को नॉलेज गेन करने में। क्लियर? सवाल की बात कर रहे हैं सर, इन्होंने बोला कि सर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पूछा है कुछ, जेड वर्सेस पी ग्राफ, ठीक है। सर कंप्रेसिबिलिटी का एक फॉर्मूला आपने बताया था वी रियल बाय वी आइडियल। यदि इस टॉपिक को पढ़ने में आपको कोई डाउट आ रहा है ना कि सर गैसीय स्टेट आप हमें पढ़ा दो तो हमारी को हमको मजा आ जाए, तो आपको फिर बताना चाहूंगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मैं क्लासेस लेता हूँ, वहां मेरा एक फ्री कोर्स अपलोडेड है, प्लीज आप देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको आनंद आए। क्लियर? तो वहां से पूरे फ्री कोर्स के थ्रू गैसीय स्टेट को पढ़ भी सकते हैं। नाउ क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूँ, वी रियल बाय वी आइडियल। सर वी रियल कितना? देखो मोलर वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस इज 0.9, आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना? 0.45। सॉल्व करके कितना आया? सर ये तो 2 आ गया। अरे 2 किस गैस के कॉरस्पॉन्डिंग है? सर ये तो कौन सी गैस के कॉरस्पॉन्डिंग है? डी गैस के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो करेक्ट आंसर वुड बी डी। चमका क्या किया? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू दे रखा था 0.51, 1.52, कुछ भी दे रखा था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग गैस बता देना था, कौन सा ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग ए बी सी डी, कौन सा पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग। सर जेड का वैल्यू हमने कैसे निकाला? वी रियल बाय वी आइडियल से निकाला, 0.95 डिवाइड बाय 0.545, आंसर आ गया 2। बोलो क्लियर है, चमकता है? हाँ सर चमक रहा है, शानदार। आगे बात कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको फिर मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कभी एग्जाम में देखने को मिले तो आपको याद रह जाए। याद रखना, एट हाई प्रेशर जो यहाँ पर जेड का रिलेशन आता है वो ऐसा रहता है 1+PV/RT, और एट लो प्रेशर यानी वॉल्यूम हाई है, यानी वॉल्यूम क्या है? हाई है, वॉल्यूम हाई है तो मैं क्या ऐसी बात करूंगा जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा 1-A/VRT,
ये दोनों रिलेशन याद रखना, यहाँ पर जेड ग्रेटर देन वन है, यहाँ जेड लेस देन वन है, यानी यहाँ जो है पॉजिटिव डेविएशन है, यहाँ जो है नेगेटिव डेविएशन। चलेगा अपनों को तीस बार, ये दोनों एक्सप्रेशन दिमाग में रखना, जेई मीन्स बहुत बार पूछ चुका है गाइस। नाउ गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन जेई मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेई मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सवाल बहुत इजी है, सॉल्व करेंगे, बहुत इजी सवाल है। सर ये तो सेकंड बोहर ऑर्बिट का रेडियस पूछ रहा है, पता नहीं क्या क्या डाटा दे रखा है। ध्यान से सुनना, ये सवाल वाला है ये सारा डाटा देख के बेवकूफ बना रहा है, अपने को क्या कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है सवाल वाला। कैसे सर? सर हमें तो रेडियस का एक रिलेशन पता है, आर एन इक्वल्स टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड इन एंगस्ट्रॉम, डायरेक्ट रिलेशन आता है, बस तो खत्म। सेकंड बोहर ऑर्बिट की बात कर रहा है, यानी 0.529 इनटू एन का स्क्वायर, सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, यानी 2 का स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो जेड का वैल्यू 1, सॉल्व करके कितना आ गया 2.12 एंगस्ट्रॉम, ये 2.12 है, डी इसका राइट आंसर, 2.12 इसको चेक कर लेना, 2.12 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है गाइस? ये सारा डाटा सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दिया था, हमें कोई काम नहीं है इस डाटा का सवाल के अंदर। ओके सर रेडियस का रिलेशन ये रहता है, हाँ बिल्कुल बच्चों ये रहता है। सर वेलोसिटी वाला बता दो, बताऊँ क्या? आई लव इट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज r नॉट n स्क्वायर बाय z, इसी तरह वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट इज v नॉट z बाय n मीटर पर सेकंड, यहाँ से एंगस्ट्रॉम में आएगा। एनर्जी का रिलेशन तो अपने को पता होगा nth ऑर्बिट में -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये तो जनरल फॉर्मूला है। आई होप इतनी इतनी बातें अपनों को पता होंगी इस चैप्टर के रिगार्डिंग। बढ़िया शानदार, अगला सवाल, ये सवाल भी एक प्रीवियस ईयर सवाल है। सर हमें सर डाटा तो याद ही नहीं है, अरे डाटा याद ही नहीं रखना, डाटा फिर बता रहा हूँ बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। सवाल वाला ऐसे आप कोई बार बेवकूफ बनाएगा बट अपने को नहीं बनना। सर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें, हाँ करो करो, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ, करिए गाइस सॉल्व करें। सर आयनिक रेडियस की बात कर रहा है, N3-O2-F- कैसे सॉल्व करें? यदि यार मैं इतनी सी बात कर लूँ, सोच के देखना कि यार सर हमें पता है जैसे जैसे एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, तो रेडियस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अरे सर ये तो वही है जो आपने एक बार पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था हमको, जो अनअकैडमी पे आपका फ्री कोर्स है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैसे? A है, एक A2 प्लस है, एक A3 प्लस है, 3 प्लस कब आया होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स कट गए होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कटे होंगे तो शेल छोटा हुआ होगा, तो रेडियस का जो रेशियो ऑर्डर रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा रेडियस। इसी में इलेक्ट्रॉन्स यदि मैं ऐड कर देता, यदि इसी में इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देता कुछ ऐसा नजारा होता, A 3 माइनस, A 2 माइनस A। अब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होना स्टार्ट हो गए तो रेडियस बढ़ता चला जाएगा, दिस इज अगेन ऑर्डर ऑफ रेडियस इन जनरल ऑर्डर। तो सर यहाँ पर अपने को इन जनरल रेडियस का ऑर्डर ये तो पता है, O2 माइनस F माइनस ये पता है, हाँ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डाटा सेट कर दो, 1.4, 1.71, 1.4, 1.36। बहुत ही शानदार, 2 इसका राइट आंसर है, कि अपने को ये बात पता लगी जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो क्या बात करूंगा रेडियस छोटा होगा, ए थ्री माइनस ए टू माइनस ए माइनस, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस क्या करेगा? बढ़ेगा। एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए गाइस, एक है MnO, एक है MnO2, एक है यहाँ पर MnO4 2 माइनस, ये तीनों की मैंने बात कर ली। क्वेश्चन है A B C, which has largest radius, किसका रेडियस ज्यादा बड़ा है? प्लीज कमेंट करें, प्लीज कमेंट करें, नेक्स्ट 20 सेकेंड फॉर यू गाइस, ओनली 20 सेकेंड, किसका रेडियस सबसे बड़ा है? प्लीज सॉल्व करें, रिक्वेस्ट है। सर ये सवाल तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, +2 +4 +6,
सर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो साइज क्या कर रहा है, छोटा हो रहा है, तो साइज का ऑर्डर क्या लेगा ये वाला, तो लार्जेस्ट रेडियस इसका मिलेगा MnO का। एज का करेक्ट आंसर, बहुत ही शानदार कमेंट में आया, बहुत ही शानदार ये आंसर आया, मजा आ गया, मजा आता है यार, ये YouTube का बहुत शानदार फीचर है, लाइव आप पढ़ा सकते हैं, लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं बच्चों के साथ, मजा आ जाता है यार ये फीचर देख के। क्लियर है, आगे बात कर रहे हैं। अब कुछ दो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, बिल्कुल थियोरेटिकल सवाल है, टेंशन मत करना, आराम से करेंगे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर SN1 रिएक्शन, SN1 के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट अपनों के पास करेक्ट। सर SN1 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट रहता है, इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकैटायन, चलेगा हाँ। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। सर ये क्या टू स्टेप प्रोसेस है, हाँ बिल्कुल टू स्टेप प्रोसेस है, जो इसका रेट है दोनों पे डिपेंड करता है, यहाँ सॉरी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, यहाँ पर कितना सिंपली दो स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में किस किस पे होगा कि पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है, दूसरी स्टेप में एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, सिंपली क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, कैसे सोच के लिखना। और यहाँ पर जो रेट लिखते हैं, रेट के एक्सप्रेशन में के इनटू खाली कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, खाली किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, रेज टू द पावर 1, यहीं से तो देखते हुए इसका ऑर्डर क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। दो स्टेप प्रोसेस है बिल्कुल नहीं, इट रेट्स डिपेंड अपॉन ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल सही बात है सर, ये तो सारी सही है हाँ। तो ऐसे केसेस में आप आंसर किस पे टिक करेंगे, डी ऑप्शन पे टिक कर रहे होंगे, डी अपने को क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। आई होप ये वाली बात अपने को क्लियर हो गई होगी, शानदार। आगे बात करने जा रहा हूँ सर, अब की बार SN1 की बात की है, रेट का एक्सप्रेशन लिख देते हैं पहले, तो रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1, ठीक है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इज डबल्ड एंड अमाउंट ऑफ H2 टेकन एज सॉल्वेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, तो रेट कितना टाइम बढ़ जाएगा। अरे सर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन से हमें मतलब ही नहीं है, तो हमें किससे मतलब है, हमें तो खाली कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड से मतलब है, एल्काइल हैलाइड की जो कंसंट्रेशन यदि डबल की है तो रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यदि 3 टाइम्स करता तो रेट 3 टाइम्स हो जाता, 4 टाइम्स तो 4 टाइम्स, हाफ करता तो हाफ हो जाता। चाहे आप सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कुछ भी करते रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेट के एक्सप्रेशन में खाली और खाली क्या आता है, कंसंट्रेशन आता है। गेटिंग माय पॉइंट। सर यदि ये सवाल SN2 के लिए होता तो क्या करते हैं, SN2 में बच्चों दोनों पे डिपेंड करता है, रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1 एंड न्यूक्लियोफाइल, जो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है उस पे भी डिपेंड करता है, यानी वाटर पे भी डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, अमाउंट ऑफ वाटर टेकन है सॉल्वेंट। तो जब भी तो यहाँ पे ऑर्डर 1+1 ऑर्डर 2 बोलते हैं इस रिएक्शन में, SN2 में ऑर्डर कितना रहता है, 2 रहता है। ऑलवेज रिमेंबर SN1 में रेट खाली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, जबकि SN2 में रेट दोनों पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। Getting my point? Clear है? आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर मजेदार तरीके से आता हुआ, ओ शानदार, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट का सवाल है, बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है। इस सवाल को मैं एक पेज पहले आप सॉल्व करें, आपको मैं समय देता हूँ पूरा पूरा, आप ताकि इस पेज क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, समय आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है, प्लीज इसको सॉल्व करना गाइस, आनंद आएगा आपको। फिर मैं आपको सॉल्व करने की टेक्निक बताऊंगा किस तरह से सॉल्व करना है इस सवाल को, लग जाइए फटाफट। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इस सवाल का सॉल्यूशन, ऐसा कुछ सवाल रहा है शायद, बढ़िया। सर होगा क्या, ध्यान से याद रखना कि सबसे पहले ब्रोमीन यहां से लीव करेगा, तो यहां पे प्लस चार्ज आ गया, हाँ सर आ गया। अब मजे की बात देखना, सर यहाँ पे क्या कार्बोकैटायन रीअरेंज कर सकता है, हाँ बच्चों यहाँ पर कार्बोकैटायन रीअरेंज करेगा, कैसे देखना, टेक्निक सिखा रहा हूं, ये वाला बॉन्ड को जोड़ दो और ये वाले बॉन्ड को तोड़ दो, ये वाले बॉन्ड को जोड़ दो, ये वाले बॉन्ड को तोड़ दो, देखना नजारा। सर तो मैं क्या ऐसा नजारा बना दूं,
देखना, ये वाला बॉन्ड तो तोड़ दिया, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, ये वाला नया बॉन्ड जोड़ दिया, यहाँ पे प्लस चार्ज है। सर ये कितना मेंबर करेंगे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, क्या ये 5 मेंबर करेंगे? तो 5 मेंबर का रिंग बना दो गाइस। और यहाँ पे एक कार्बन पे लेट्स से इसको 1 बोल दिया, तो 1 2 3 4 5, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये क्या रीअरेंज करने में कोई दिक्कत नहीं सर। अब आपने क्या डाला था? वाटर डाला था। वाटर से क्या मिलेगा? प्लस चार्ज है तो इस पर अटैक कौन करेगा? OH माइनस, क्योंकि वाटर कैसे डिसोशिएट होगा? H प्लस इनटू OH माइनस में वाटर डिसोशिएट हो जाएगा। ओके सर, अब हम समझे कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, OH, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। OH माइनस इस कार्बन पे अटैक कर लेगा। आपको प्रोडक्ट दिखा मैंने क्या किया, सबसे पहले ब्रोमीन को लीव करवाया, यहाँ पर नया बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड तोड़ा, रिंग एक्सपेंशन। अब किसी के मन में सवाल आ सकता है, सर हमें क्या सपने आ रहे हैं रिंग एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा? नहीं नहीं, सपने नहीं आ रहे आपको। याद रखना, जब भी 4 मेंबर रिंग होगी तो 5 मेंबर में जाना चाहेगी, 5 मेंबर होगी तो 6 मेंबर में जाना चाहेगी। करके दिखाओ तो माने। आइए तो बात करते हैं अगला एग्जाम्पल, बिल्कुल सेम, यहां से ब्रोमीन। सर ब्रोमीन को निकालो, ये लो भैया तुम कह रहे हो तो निकाल देते हैं, प्लस चार्ज आया, आया। अब सर रिंग एक्सपेंशन करवाए क्या? करवाओ, ये बॉन्ड जोड़ना है, ये बॉन्ड तोड़ना है। बोलो ये वाला बॉन्ड जुड़ गया? हाँ सर, यहाँ प्लस चार्ज था। कितना मेंबर का रिंग बना? 1 2 3 4 5 6, अरे सर 6 मेंबर की रिंग बन गई, 6 मेंबर की रिंग बन गई। लेट्स से इसको 1 बोल दिया, इसको प्लस चार्ज आ गया, ये 1 2 3 4 5 6, क्या रिंग एक्सपेंशन करना आया? 5 मेंबर से 6 मेंबर की तरफ बनाना आया, और 4 से 5 की तरफ भी सिखाया। बोलो गाइस क्या रिंग एक्सपेंशन क्लियर है? बोलो हाँ ना, प्लीज फटाफट कमेंट करके बताएं हाँ ना। बोलो 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 बोलो, शानदार शानदार। तो अपने को इस क्वेश्चन की आंसर की जो बात कर रहे होंगे, सर ये तो सी ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन चलेगा। ब्रोमीन लीव किया, ब्रोमीन लीव किया, कार्बोकैटायन बना, रीअरेंज करवाया, ये बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड जोड़ा, कंपाउंड बना डाला, शानदार। अगला सवाल आप लोगों से मेरा, अरे फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का 10 का दम 1/10 में भी एक सवाल पूछा था, ग्राफ पूछा था कुछ ऐसा, log x by m equals to log k plus 1/n log p वाला। हाँ सर ये इंटरसेप्ट था, स्लोप 1/n था, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, डी आंसर इसका करेक्ट था शायद, क्लियर है ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। इस सवाल की बात करते हैं, जेई मेन सवाल है, जेई मेन 2019, जेई मेन 2019 का पूछा हुआ सवाल, प्लीज इसका आंसर तो करेक्ट बता दो यार, प्लीज इसका आंसर करेक्ट बता दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको 10 सेकंड 20 30 सेकंड दे देता हूँ यार, 30 सेकंड दे रहा हूँ, प्लीज आंसर करेक्ट बता दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा गाइस। एडसॉर्प्शन ऑफ गैस फॉलोज फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, एक्स बाय एम वर्सेस, कुछ कुछ बात कर रहा है, कुछ कुछ बात कर रहा है सर। आ गया करेक्ट आंसर आ गया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। लोग एक्स बाय एम इक्वल्स टू लोग के प्लस 1/n लोग पी है। सर स्लोप क्या है? सर स्लोप होता है 1/n, और यहाँ पर क्या है? सर स्लोप है dy by dx, dy by dx कितना? 2/3 चलेगा, 1/n का वैल्यू है 2/3। पूछा क्या है? x by m is directly proportional to pressure raised to the power 1/n, so x by m is directly proportional to pressure raised to the power 1/n की जगह 2/3 लिख दूंगा, so answer would be 3। आंसर भी 3, अधिकांश लोग आंसर 3/2 कर देते हैं जल्दबाजी में, जो कि नहीं करना है। दोबारा बता देता हूं, यहां से कंपेयर किया, स्लोप 1/n लिखा, यहां से देखा स्लोप क्या होगा, dy / dx होता है, y कितना 2, x कितना 3, 2yx 2y, dy / dx कितना 2/3, 1/n की जगह सिंपली 2/3 लिखा, आंसर पाया। बोलो है ना, चमक रहा है, गलती आपको नहीं करनी है इस सवाल में भी। आई होप ये वाली बात अपना को क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से अगला सवाल आप लोगों के लिए, देखना फिर मजा आएगा आपको ना। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ AgNO3 विल बी, बहुत प्यारा सवाल है, गुड गुड क्वेश्चन, प्लीज इसको सॉल्व करने की कोशिश करना,
प्लीज इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। सर हमें समझ नहीं आता कब एस एन वन करवाते हो कब एस एन टू करवाते हो। एस एन वन के सेट रिएजेंट से दिमाग में रख लो कभी भी आए। पहला अल्कोहल यानी आर ओ एच, एसिड। तीसरा वाटर यानी एच टू ओ। फोर्थ एक्वस एजीएन ओ। एक्वस एजीएन ओ थ्री देखो तो भी एस एन वन करवाना याद रखना, यानी कार्बो कैटायन बनाना है। चमक रहे चमक रहे सर। अपनों के पास तीन ऑप्शन है देखो, यहाँ ये ऑक्सीजन का लोन पेयर। सर सबसे पहले मैंने ये बगल वाला क्लोरीन को हटा दिया, इस क्लोरीन को हटाया यहाँ पे प्लस चार्ज आया। क्या ये स्टेबल है? क्या ये क्लोरीन स्टेबलाइज्ड बाय प्लस एम इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन का लोन पेयर है? इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, बोलो है ना? हाँ सर ये तो क्लियर है। तो थर्ड को मैंने सबसे पहले एक बार लिख दिया, चलो ये थर्ड वाले क्लोरीन से हटा था। उसके बाद मन में क्या ख्याल आएगा? सर यहां से क्लोरीन जाएगा, यदि देखना यहां वाला क्लोरीन गया तो यहां प्लस चार्ज आएगा। हाँ कौन से डिग्री का क्लोरीन है, कौन से डिग्री का कार्बोकैटायन है? टू डिग्री। ठीक है अब सर इस वाले क्लोरीन को भी हटाते हैं। आओ सर यहां से क्लोरीन हटा तो यहां पर थ्री डिग्री का कार्बोकैटायन बना। सर स्टेबिलिटी में हमको पता है थ्री डिग्री वाला ज्यादा अच्छा देन टू डिग्री वाला, यानी क्या मैं ऑर्डर ऐसी बात करूंगा? सर यहाँ पर वन और टू में तो वन का रेट ज्यादा है टू से, क्योंकि AgNO3 के साथ रिएक्ट करके करेगा क्या वो AgCl का PPT बनाएगा, AgCl का PPT। तो कौन आसानी से जाएगा वन और टू में? सर वन जाएगा, क्यों? क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा है। देखो थ्री डिग्री वाला कार्बोकैटायन यहाँ क्या बन रहा है, टू डिग्री वाला कार्बोकैटायन। ठीक है सर फिर थ्री वन और टू तो हमें पता लग गया वन का ज्यादा है टू से, थ्री पहले आएगा या बाद में आएगा? अरे सर थ्री में तो रेजोनेंस हो रही है, थ्री स्टेबलाइज्ड बाय कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा। ऑर्डर ऑफ बी 312 यानी 312। ऑर्डर आंसर ऑफ बी टू ऑप्शन, बोलो चमक रहा है नहीं चमक रहा गाइज? हाँ या ना बता दो सर, आनंद आ गया चमका, बोलो बोलो गाइज बोलो क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। एक छोटा सा सवाल आपके लिए और करवाएं, अगला सवाल ऑर्गेनिक की दुनिया से। सर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग सॉरी अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। सर हमें पता है एक बार, क्या सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? आंसर कर देंगे आंसर कमेंट करोगे? पक्का करेंगे, कमेंट करो करेक्ट आंसर, डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। प्लीज आप लोग तो जुलाई में प्लीज कमेंट करो, डिस्कस करेंगे, डिस्कस्ड विल बी इन केमिस्ट्री 3/10 में डिस्कस करूंगा। आई होप आज की क्लास के क्वेश्चन आपको बहुत आनंद में रहे होंगे, क्वेश्चन को पढ़ के कुछ बढ़िया चीजें सीखने को मिली होंगी। प्लीज आप बता दो कि लेक्चर में अराउंड 30 मिनट्स का रखता हूँ, यदि मैं चाहूँ तो एक एक घंटे के लेक्चर्स ला सकता हूँ, आपको लाइव पढ़ा सकता हूँ इफ यू नीड इट। प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, मैं एक एक घंटे के लेक्चर लाऊंगा और आपको और ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा। चाहिए तो प्लीज कमेंट करना, और उम्मीद कर रहा हूँ आज का लेक्चर भी आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज पसंद आया तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और सेकंड थिंग, ये जो एक्सक्लूसिव फॉर जेईई मेंस है, प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को भी शेयर करें, ताकि उन बच्चों को भी फायदा मिल सके। और अनिरुद्ध वाले के इस चैनल को जितने सब्सक्राइबर हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि एक दिन हम बढ़िया सब्सक्राइबर रेंज के साथ आप लोगों को बहुत प्यार देंगे। और इतना टाइम से आप लोगों का प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो पसंद आती रहेंगी, अनिरुद्ध वाले को आप ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो बच्चों, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस लाइव इंस्टेंट प्रीमियर, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में केमिस्ट्री 10 का दम 3/10 में। Thanks for watching this entire video. Bye bye. Take care. God bless you all of you. Milte hain next video mein.